सवाल नंबर एक, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 2000 भाषाएं, बी 3000 भाषाएं, सी 4000 भाषाएं, डी 5000 भाषाएं। सही जवाब है ऑप्शन डी 5000 भाषाएं। सवाल नंबर दो, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी चीन में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी भूटान में। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन में। सवाल नंबर तीन, जीरो का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी चीन में, डी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में। सवाल नंबर चार, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी बाबर, सी मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। सवाल नंबर पांच, किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है ए सारस का, बी शुतुरमुर्ग का, सी हंस का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का। सवाल नंबर छह, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चोगोलेसा, बी माउंट एवरेस्ट, सी काराकोरम, डी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। सवाल नंबर सात, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनती है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सिंध नदी, सी गोमती नदी, डी कोसी नदी। सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी नदी। सवाल नंबर आठ, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? आपका ऑप्शन है ए 3 साल 10 महीने 5 दिन, बी 5 साल 3 महीने 2 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, डी 7 साल 2 महीने 5 दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। सवाल नंबर नौ, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी, डी कावेरी नदी। सही जवाब है ऑप्शन सी गोमती नदी के किनारे। सवाल नंबर दस, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए डूरंड रेखा, बी हिंडनबर्ग लाइन, सी रेडक्लिफ रेखा, डी मैकमोहन लाइन। सही जवाब है ऑप्शन डी मैकमोहन लाइन। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।